हेलो एवरीवन, मैं राजीव कुमार। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है सीआरओ को ऑपरेट कैसे करें। दोस्तों, सीआरओ पे बहुत सारे प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के मोस्टली प्रैक्टिकल हम सीआरओ से ही उनके आउटपुट देखते हैं, इनपुट को देखते हैं, आउटपुट इनपुट को कंपैरिजन करते हैं। इलेक्ट्रिकल के भी बहुत सारे प्रैक्टिकल हम सीआरओ के माध्यम से करते हैं, क्योंकि सीआरओ जो है वो वोल्टेज की वेव फॉर्म को देखने के काम आता है। सीआरओ को इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की आंख भी कहा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जो भी एनालाइज करता है प्रैक्टिकल का, आउटपुट का एनालाइज, इनपुट का एनालाइज और इनपुट आउटपुट दोनों का कंपेरिजन करता है, वो सीआरओ के माध्यम से ही करता है। मैंने यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल के माध्यम से भी समझाने की कोशिश की है कि सीआरओ को हम ऑपरेट कैसे करेंगे। तो प्रैक्टिकल से पहले सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि सीआरओ ऑपरेट होता कैसे है, क्योंकि जब तक हमें सीआरओ ऑपरेट करना नहीं आएगा तब तक हम कोई भी सिग्नल का वेव फॉर्म इसकी डिस्प्ले पे नहीं देख पाएंगे। उसके लिए बहुत ही जरूरी है कि हमें सीआरओ को ऑपरेट करना आना। तो फिर शुरू करते हैं हम कि सीआरओ को ऑपरेट कैसे करेंगे। देखिए, सीआरओ को ऑपरेट करने का तरीका जो है वो ये है कि जब भी आप सीआरओ को पे कोई प्रैक्टिकल करना चाहें तो सबसे पहले आप सीआरओ को जितने भी इसके कंट्रोल सिग्नल सेक्शंस हैं उन पे जो स्विच हैं सबको आप नॉर्मल पोजीशन पे ले आइए। जैसे ये इंटेंसिटी का है, इसको नॉर्मल पोजीशन पर रख दिया मैंने। पोजीशन का भी है, इसको नॉर्मल पोजीशन पर रख दिया, इसको भी। और ये लेफ्ट राइट का भी है, ये फोकसिंग का है तो इसको भी मीडियम में रख दिया मैंने। और जितने भी पुश बटन हैं सबको आप आउट कर लो, सबको आउट पोजीशन पर ले आए। वोल्टेज डिवीजन वाला जो चैनल है इसको आप 1 मिली वोल्ट पे सेट कर लीजिए, ठीक है। इस तरह से ये टाइम डिवीजन वाला चैनल है इसको भी आप 1 मिली सेकेंड पर सेट कर लीजिए। अब हम सीआरओ को स्विच ऑन करेंगे। देखिए, इसका पावर का बटन है, यहाँ से हमने इसको पुश कर दिया। जैसे आप देख पा रहे हैं ये हमारा ऑन हो गया है। सीआरओ हमारा ऑन हो चुका है। अब सबसे पहले हम इसकी इंटेंसिटी को चेक करेंगे। तो हम इसकी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ाई हमको पता लग गया कि सिग्नल हमको दिखने लगा। इसके बाद हम इसके आउटो का बटन जो है प्रेस कर देंगे। आउटो का बटन हमने प्रेस किया है। आउटो का बटन का मतलब क्या है कि जो टाइम बेस्ड सिग्नल होता है, जो आपने वेव फॉर्म देखी होगी जो लेफ्ट से राइट की तरफ चलती है, तो इसके लिए एक टाइम बेस्ड सिग्नल की जरूरत होती है। उसके लिए या तो हम एक्सटर्नल दे सकते हैं, बाहर से दे सकते हैं इसके इस कनेक्टर के द्वारा, और अगर आप बाहर से ना देना चाहें तो इसमें एक आउटो का ट्रिगर बटन होता है जिसमें आप आउटो को पुश करके टाइम बेस्ड सिग्नल दे सकते हैं। और अगर आप टाइम बेस्ड सिग्नल जो है इसमें इनबिल्ड होता है इसलिए आप आउटो प्रेस करेंगे। अगर आप इसको टाइम बेस्ड सिग्नल बाहर से देना चाहेंगे तो आप इस पर नॉर्मल को पुश करके यहाँ से और टाइम बेस्ड सिग्नल देंगे। मैं यहाँ पर
इसको टाइम बेस्ड सिग्नल बाहर से नहीं दे रहा हूँ, मैंने ऑटो प्रेस किया है। मैं इसका जो इनबिल्ट सिग्नल है सीआरओ में टाइम बेस्ड सिग्नल को, उसी को यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने ऑटो प्रेस कर दिया। इसके बाद मैं देखिए डुअल चैनल सीआरओ है, एक चैनल ये रहा एक ये रहा, ये दो चैनल हैं आपके वोल्टेज डिवीजन के लिए। एक कनेक्टर ये रहा जहाँ मैंने कनेक्ट कर रखा है, एक ये है, दो ये डुअल चैनल सीआरओ है। टाइम बेस के लिए एक ही होता है, टाइम बेस का चैनल आप देख रहे हैं। अब देखिए मैंने चैनल नंबर टू पर बीएनसी प्रोब को कनेक्ट किया है, तो मैं चैनल टू का बटन को पुश करूंगा, पुश कर दिया। अब देखिए मैं इसकी फोकसिंग बढ़ाऊंगा तो नहीं दिख रहा मुझे कुछ भी इंटेंसिटी बढ़ाने पर। अब देखिए मैं इसकी डिवीजन बढ़ाऊंगा, ये देखिए कम किए बहुत बड़े हुए थे, ये देखिए आपको वेवफॉर्म को दिखने लगी इसमें। इस तरह से आप शुरुआत के दौर में सीआरओ को सेट करेंगे। ये जो ऑटो का सिग्नल, ऑटो का पुश है बटन बताया था मैंने आपको, ऑटो स्विच जो है ये टाइम बेस्ड सिग्नल को कंटिन्यूस करता है। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो देखिए कोई भी सिग्नल हमको नहीं दिख रहा, और यहाँ पर हमने एक्सटर्नली कोई सिग्नल दिया नहीं है, तो इसलिए हमको ऑटो को पुश करके रखना पड़ेगा, क्योंकि हम इसका टाइम बेस्ड सिग्नल इंटरनली यूज कर रहे हैं। तो आपने देखा कि ये डुअल चैनल सीआरओ है। डुअल चैनल सीआरओ का मतलब होता है कि हम इसमें दो सिग्नल एक साथ कंपेयर कर सकते हैं, एक प्रोब से यहाँ से देंगे एक यहाँ से देंगे, तो दो सिग्नल आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई देंगे, यहाँ से आप दो सिग्नल को एक साथ देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हाफ वेव रेक्टिफायर का आपने प्रैक्टिकल किया, तो हाफ वेव रेक्टिफायर की जो वेव आउटपुट वेव फॉर्म होगी वो भी आपको यहाँ दिखाई देगी और इनपुट भी आपको दिखाई देगी। तो डुअल चैनल सीआरओ इस काम आते हैं कि हम इस पर एक साथ दो सिग्नल को कंपेयर कर सकते हैं। हम आगे कोई भी डिस्कशन करने से पहले बीएनसी प्रोब के बारे में जानेंगे, जो बीएनसी प्रोब हम सीआरओ में इनपुट देने के लिए यूज करते हैं। देखिए ये मेरी बीएनसी प्रोब है, ये इसका बीएनसी कनेक्टर है जो आप देख पा रहे हैं, जैसा कि आप पिक्स में भी देख रहे हैं, और इसका ये आउटपुट है, ये एलिगेटर है जिसको हम ग्राउंड भी कहते हैं, एलिगेटर टाइप का है ये ग्राउंड में यूज होता है, और ये आपका मेन सिग्नल है जहाँ से आप इनपुट देते हैं सीआरओ के लिए। तो ये बीएनसी प्रोब है, ये कोएक्सियल केबल होती है, और ये बीएनसी कनेक्टर है। बीएनसी इस कनेक्टर की वजह से हम इसको बीएनसी बोलते हैं, ये बीएनसी कनेक्टर है। ये बीएनसी कनेक्टर स्पेशली तौर पे कोएक्सियल केबल में यूज होता है, और आपकी जो प्रोब है ये कोएक्सियल केबल ही है। कोएक्सियल केबल का मतलब एक केबल के अंदर दूसरी केबल जिसका एक्सिस एक ही होता है, तो ये कोएक्सियल केबल है, इसको हम बीएनसी प्रोब बोलते हैं। ठीक है, आपने इसको देखा भी होगा। अब देखिए इसमें जो राइट साइड में आप कंट्रोल सेक्शन देख रहे हैं इसका, इसमें आपको तीन चैनल दिखाई दे रहे हैं, ये डुअल चैनल है वोल्टेज डिवीजन के लिए, चैनल नंबर वन चैनल नंबर टू, ये टाइम बेस्ड सिग्नल है। हॉरिजॉन्टली जो वेव आपकी मूव होती है उसके वोल्टेज डिवीजन, सॉरी टाइम डिवीजन घटाने के लिए या बढ़ाने के लिए, तो ये दोनों के लिए कॉमन होता है। ये वोल्टेज डिवीजन बढ़ाने के लिए, जैसे मैंने चैनल टू यूज़ किया इस समय, तो देखिए वोल्टेज डिवीजन बढ़ेंगे इसके हैं, और इससे आप कम भी कर सकते हो वोल्टेज डिवीजन को, तो ये वोल्टेज डिवीजन के लिए यूज है। अगर आप ये भी चैनल यूज़ कर रहे हैं तो इससे भी आप वोल्टेज डिवीजन बढ़ा सकते हो और घटा सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ शुरू करते हैं, देखिए ये इंटेंसिटी का यहाँ लिखा है इंटेंसिटी, तो इसमें जो है वेव फॉर्म की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए होता है। इंटेंसिटी का मतलब जैसे ही आप इसको बढ़ाएंगे घटाएंगे इससे इंटेंसिटी बढ़ रही है। इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम फास्फोरस स्क्रीन पर स्ट्राइक कर रही है उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, इसको बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है जो कि फास्फोरस स्क्रीन पर स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, ये फोकसिंग है, फोकसिंग एनोड है ये, इससे हम फोकस करते हैं स्क्रीन पर किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर, फोकस यानी कि क्लियर वेवफॉर्म शो हो रही है या नहीं हो रहा है, ये फोकसिंग के लिए है। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया ये डुअल चैनल सीआरओ है, डुअल चैनल सीआरओ का मतलब होता है कि दो सिग्नल को एक साथ हम इसकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रीन के बारे में बाद में बताएंगे।
तो देखिए ये पहला चैनल हो गया, इसका बीएनसी कनेक्टर यहाँ लगेगा, ये ग्राउंड का है, ये एसी का है स्विच, और इसकी पोजीशन आप देखिए, अगर अभी मैंने सिग्नल यहाँ पर कनेक्ट कर रखा है तो ये पोजीशन के लिए है, यानी कि अप और डाउन पोजीशन करने के लिए है। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है, और ये लेफ्ट राइट के लिए है, देखिए लेफ्ट राइट हो, ये पोजीशन लेफ्ट राइट के लिए है ये आपका चैनल, और ये अप और डाउन करने के लिए, ये इस चैनल के लिए है, और चैनल नंबर वन के लिए ये है, लेकिन लेफ्ट और राइट पोजीशन के लिए कॉमन है ये, ठीक है, और ये लेवल के लिए है जैसे आप देख पा रहे हैं, ठीक है, और ये टाइम डिवीजन के लिए है, तो आप इससे टाइम के डिवीजन घटा बढ़ा सकते हो, देखिए टाइम डिवीजन घट रहा है, और ये देखिए, तो ये टाइम डिवीजन के लिए दोनों चैनल की कॉमन होता है, क्योंकि इस पर हॉरिजॉन्टली टाइम डिवीजन घटाते हैं बढ़ाते हैं, तो ये चैनल आपका टाइम डिवीजन के लिए है। ये स्विच आप देख रहे हैं ग्राउंड और एसी के लिए, अगर आपको एसी को मेजर करना है तो इसको प्रेस करना है, और अगर आप सिग्नल को ग्राउंड करना चाहते हैं तो आप इससे ग्राउंड कर देंगे तो सिग्नल पर का वोल्टेज जीरो हो जाएगा। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने ग्राउंड का स्विच प्रेस कर दिया तो वोल्टेज जीरो हो गया। वैसे एसी चेक कर रहे हैं, ये सिग्नल इनपुट दिया है तो हम एसी को प्रेस करके रखेंगे, ठीक है। इसे कंट्रोल सेक्शन पे आप देख रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल चेंज के लिए है, सॉरी वर्टिकल चेंज के लिए है, और ये हॉरिजॉन्टल पैरामीटर चेंज के लिए है, यानी कि आप वोल्टेज डिवीजन बढ़ाना चाहेंगे तो इससे बढ़ेंगे घटेंगे, और दूसरे के लिए इससे, और हॉरिजॉन्टली आप चेंज करना चाहेंगे तो उसके लिए ये है। इसको आप देखिए, इसमें देखिए ये मल्टीप्लाई बाई फाइव मैग्नीट्यूड, ये मल्टीप्लाई बाई फाइव मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, अगर आप इस स्विच को प्रेस कर देंगे तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वोल्टेज का वो फाइव टाइम्स बढ़ जाएगा, यानी कि वोल्टेज डिवीजन इसके बढ़ जाएंगे, देखिए एम्पलीट्यूड इसका बढ़ गया। उस तरह से इस सिग्नल के लिए ये वाला स्विच दे रखा है फाइव टाइम करने के लिए, उसी प्रकार इसमें देखिए सी एच टू इन्वर्ट, यानी कि अगर आपने चैनल नंबर टू पर इनपुट दे रखा है और उसके सिग्नल को उल्टा करना चाहते हैं, इन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इससे देखिए ये इन्वर्ट हो रहा है, देखिए इन्वर्ट इस तरह से। इसमें ये बहुत सारे स्विच हैं, मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूँ सबको। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो एक इसमें पॉइंट है प्रोब एडजस्ट, तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये प्रोब एडजस्ट के लिए है, यानी कि सीआरओ को यूज करने से पहले आपको प्रोब को एडजस्ट करना पड़ेगा। इसमें 0.5 वोल्ट का पीक टू पीक और 1 किलोहर्ट्ज का एक वोल्टेज लगा होता है जिसको हम सीआरओ पे देख सकते हैं, तो हम जो है प्रोब को एडजस्ट करेंगे, यानी कि ये कैलिब्रेशन पॉइंट कहलाता है। अब हम प्रोब को कैलिब्रेट करेंगे, देखिए कैसे कैलिब्रेट करते हैं। ये प्रोब है, इसका जो फेज वाला है इनपुट, इसको मैंने प्रोब पे एडजस्ट पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया, एलिगेटर को कहीं ग्राउंड देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए अभी देखिए प्रोब को मैंने कैलिब्रेट कर लिया, सेट कर लिया, प्रॉपरली सेट हो चुकी है प्रोब। अब इसमें मैं कोई भी इनपुट सिग्नल दूंगा तो वो हमें प्रॉपरली दिखाई देगा। मेरे पास एक साइन वेव ऑसिलेटर है जिससे मैं साइन वेव को इनपुट दिया है मैंने सीआरओ के लिए, तो आप देख रहे हैं ये साइन वेव है, मैं इसकी फ्रीक्वेंसी कम कर रहा हूँ, देखिए अब ये फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ, ये ऑसिलेटर से कर रहा हूँ मैं, ये एम्पलीट्यूड घटा रहा हूँ मैं इसका, एम्पलीट्यूड बढ़ा रहा हूँ, देखिए सीआरओ, फिर इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने कम कर दी, फिर देखिए फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाना घटाना, अब ये टाइम डिवीजन वोल्टेज डिवीजन मैं सीआरओ के कंट्रोल सेक्शन से भी कर सकता हूँ, देखिए मैं इसके वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, देखिए ये वोल्टेज बढ़ गए घट गए, इस तरह से आप वोल्टेज इसके मैक्सिमम रेंज तक बढ़ा सकते हैं वोल्टेज डिवीजन। उस तरह से ये इसका हॉरिजॉन्टली टाइम डिवीजन भी आप घटा बढ़ा सकते हैं, देखिए ये घटा दिए मैंने, और ये इस तरह से देखिए टाइम डिवीजन, इस तरह से आप सीआरओ को ऑपरेट कर सकते हैं, और कोई भी इनपुट सिग्नल को आप इसके लिए दे करके कंपैरिजन कर सकते हैं, दो सिग्नल को एक साथ कंपैरिजन कर सकते हैं,
या आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म देख सकते हैं। अब मैं आपके लिए छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स करके दिखा रहा हूँ। देखिए सीआरओ को मैंने ऑसिलेटर से स्क्वायर वेव दिए, यहाँ से इसकी मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ, घटा रहा हूँ। देखिए अब मैं फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ा रहा हूँ, अब इसको और ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ फ्रीक्वेंसी। देखिए 100 टाइम्स कर सकता हूँ, 10 टाइम्स कर सकता हूँ, इस तरह से स्पीड को आप देख ही रहे हैं। और यहाँ से इसका एम्पलीट्यूड भी घटा बढ़ा सकते हैं, देखिए। और मैं यहाँ से भी इसका एम्पलीट्यूड वोल्टेज डिवीजन बढ़ा सकता हूँ, और यहाँ से इसके टाइम डिवीजन। अब मैं इसको दूसरी वेव आपको इस पर डिस्प्ले करके दिखाता हूँ, साइन वेव के लिए। देखिए ये साइन वेव है, इसकी फ्रिक्वेंसी मैं बढ़ा रहा हूँ और इसका एम्पलीट्यूड भी मैं बढ़ा रहा हूँ, और यही काम मैं कंट्रोल सेक्शन से भी कर सकता हूँ। देखिए इसके वोल्टेज डिवीजन बढ़ा दिए, ये टाइम डिवीजन। इस तरह से आप किसी भी सर्किट का आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म, दो सिग्नल का कंपैरिजन सीआरओ के माध्यम से देख सकते हैं। सीआरओ एक बहुत ही यूजफुल इंस्ट्रूमेंट है, इसकी जानकारी आपको आनी चाहिए, इसको ऑपरेट करना आपको आना चाहिए, तभी आप कोई भी प्रैक्टिकल कर पाएंगे, अन्यथा प्रैक्टिकल करवाना संभव नहीं होगा। देखिए मैंने दो सिग्नल एक साथ कंपेयर करने की कोशिश की है, वे फ्लक्चुएशन हो रहा है ज़्यादा। ये दो सिग्नल मैंने एक साथ कंपेयर करने की कोशिश की है, नीचे वाला सिग्नल साइन सिग्नल है और ये ऊपर वाला सिग्नल है, ये फुल वेव रेक्टिफायर का सिग्नल है। मैंने इनपुट पे ये दिया हुआ है और फुल वेव में हमको ये सिग्नल मिल रहा है। तो ये डुअल चैनल है, आप देख रहे हैं मैंने दो प्रोब इस्तेमाल किए हैं, चैनल वन के लिए, चैनल टू के लिए, ठीक है। तो ये दोनों सिग्नल मैं इस पर कंपेयर कर रहा हूँ, ये इनपुट सिग्नल है साइन वेव और ये आउटपुट सिग्नल है, ये फुल वेव रेक्टिफायर का सिग्नल है, ये इनपुट साइन वेव है। देखिए मैंने अब मैं इसके वोल्टेज डिवीजन बढ़ाऊंगा, देखिए वोल्टेज डिवीजन बढ़ रहे हैं इसके, कम हो गए। अब इसके नीचे वाले सिग्नल के मैं वोल्टेज डिवीजन बढ़ाऊंगा, देखिए बढ़ रहे हैं ये अभी कम हो रहे हैं। तो इस तरह से हम ये डुअल चैनल सीआरओ है, इस तरह से हम दो सिग्नलों को एक साथ कंपेयर कर सकते हैं, वोल्टेज का वेवफॉर्म देख सकते हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है इसको कंपेयर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्क्रीन की। दोस्तों ये जो स्क्रीन है इसकी, आप देख रहे हैं वेवफॉर्म को शो करने के लिए स्क्रीन है, तो इसमें जो वर्टिकल डिवीजन है और हॉरिजॉन्टल डिवीजन है, ये डिवीजन ग्रेटिक्यूल कहलाते हैं। इन डिवीजन की हेल्प से ही हम इसका एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर पाते हैं, और साथ ही हॉरिजॉन्टल पे फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, फेस, ये सब कैलकुलेट कर पाते हैं इनकी माध्यम से। आप देख रहे हैं ये जो स्क्रीन है, इसमें ये पांच डिवीजन में बटी हुई है, 1, 2, 3, 4, 5, पांच बड़े डिवीजन है और प्रत्येक बड़े डिवीजन का 5 सब डिवीजन है। उस तरह से इधर भी, उस तरह से वर्टिकली भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 डिवीजन है वर्टिकली, और प्रत्येक डिवीजन के 5 सब डिवीजन है। जैसे आप देख पा रहे, इन सबको हम ग्रेटिक्यूल कहते हैं, और इनके माध्यम से ही हम एम्पलीट्यूड, जो हमारी वेवफॉर्म है, उसके पैरामीटर को कैलकुलेट करते हैं। तो आज मैंने बहुत कुछ बताने की कोशिश की, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। तो इस तरह से ये हम वीडियो हमने सीआरओ को ऑपरेट करने की थी, और आप इसको स्टडी करते रहिए, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।